शोले फिल्म आज भी हिंदी सिनेमा की टॉप फिल्मों में शुमार होती है। तो चलिए आज आपको बताते हैं शोले फिल्म की 8 अनसुनी कहानियाँ। नंबर 1, 15 अगस्त 1975 को फिल्म शोले सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी। फिल्म को बनने में 6 साल लग गए थे, जिससे फिल्म का बजट 1 करोड़ से बढ़कर 3 करोड़ हो गया। किसी को उम्मीद नहीं थी कि फिल्म अच्छा बिजनेस करेगी। हुआ भी ऐसा ही। शुरुआत के कुछ दिनों तक फिल्म की कमाई निराशाजनक थी, मगर धीरे धीरे माउथ पब्लिसिटी से फिल्म ने ऐसी रफ्तार पकड़ी कि कमाई के नए रिकॉर्ड बना दिए। फिल्म ने 35 करोड़ की कमाई की। 20 साल तक इसकी कमाई का रिकॉर्ड कोई फिल्म नहीं तोड़ पाई। नंबर 2, शोले फिल्म में पहले सूरमा भोपाली का किरदार नहीं था, इसे बाद में जोड़ा गया। वहीं संजीव कुमार ने जिस ठाकुर बलदेव सिंह का रोल निभाया, वो राइटर सलीम के ससुर यानी सलमान खान के नाना का नाम था, जो कि आर्मी के रिटायर्ड अफसर थे। फिल्म की कहानी सलीम जावेद ने लिखी थी। कहानी पर फिल्म बनाने के लिए उन्होंने पहले प्रकाश मेहरा को अप्रोच किया। प्रकाश मेहरा ने बीजी शेड्यूल का हवाला देते हुए फिल्म को डायरेक्ट करने से मना कर दिया। इसके बाद ये फिल्म डायरेक्टर रमेश सिप्पी की झोली में आ गिरी। वहीं फिल्म के स्टार कास्ट को फाइनल करने में भी कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। स्टार्स का मानना था कि फिल्म की पूरी कहानी गब्बर और ठाकुर के इर्द गिर्द है। हर कोई इन्हीं दो रोल को निभाना चाहता था। ऐसे में स्टार कास्ट फाइनल करने में रमेश सिप्पी साहब को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। नंबर 3, संजीव कुमार शुरुआत से गब्बर का रोल करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने डायरेक्टर के सामने दांत काले करने और बाल कटवाने की पेशकश की थी, लेकिन बाद में उन्हें ठाकुर का रोल मिला। वहीं ठाकुर का ये रोल पहले धर्मेंद्र करना चाहते थे। धर्मेंद्र की इस ख्वाहिश से फिल्म डायरेक्टर रमेश सिप्पी धर्म संकट में पड़ गए, लेकिन डायरेक्टर सिप्पी के एक ट्रिक ने ठाकुर का रोल संजीव की झोली में डाल दिया। दरअसल डायरेक्टर ने धर्मेंद्र से कहा कि अगर तुम वीरू का रोल करोगे तो तुम्हारा स्क्रीन टाइम हेमा मालिनी के साथ ज़्यादा रहेगा, वरना ये रोल संजीव को ही देना पड़ेगा। हेमा मालिनी के साथ ज़्यादा स्क्रीन शेयर करने के लालच में धर्मेंद्र ने वीरू के रोल के लिए हामी भर दी। नंबर 4, फिल्म में ठाकुर का रोल सबसे प्रभावशाली था। असल में सलीम खान के ससुर का नाम ठाकुर बलदेव सिंह था, जो सेना के रिटायर्ड ऑफिसर थे। बाद में मेकर्स ने फिल्म में सेना के ऑफिसर को पुलिसकर्मी के रोल में तब्दील कर दिया, लेकिन नाम वही रखा। वहीं गब्बर के रोल के लिए डायरेक्टर रमेश सिप्पी की पहली पसंद डैनी थे। उस वक्त डैनी इंडस्ट्री के टॉप विलन थे, लेकिन वो फिल्म धर्मात्मा की शूटिंग में बिजी थे। उन्होंने शोले फिल्म के लिए मना कर दिया। फिर सलीम ने अमजद खान की सिफारिश इस रोल के लिए की। एक नाटक में अमजद खान की एक्टिंग सलीम को बहुत पसंद आई थी, जिसे देखने के बाद उन्होंने अमजद खान का नाम डायरेक्टर को सुझाया। नंबर 5, शोले फिल्म की कहानी डाकू गब्बर सिंह पर आधारित है। वहीं इस कहानी को लिखने वाले सलीम जावेद ने इस कहानी की प्रेरणा अपने पिता की सुनाई कहानी से ली थी। दरअसल एक बार सलीम खान के पिता ने उन्हें एक कुख्यात डाकू गब्बर सिंह की कहानी सुनाई थी, जो बहुत सारे कुत्ते पालता था और पुलिस वालों की नाक काट देता था। इसी कहानी के आधार पर सलीम ने फिल्म के डाकू का नाम गब्बर रखा था। नंबर 6, शोले की क्लाइमेक्स शूटिंग के दौरान अमिताभ बच्चन धर्मेंद्र के हाथों मरने से बाल बाल बचे थे। दरअसल धर्मेंद्र को क्लाइमेक्स सीन में गोलियां और बारूद इकट्ठा करना था, लेकिन जैसे ही एक्शन बोला जाता तो धर्मेंद्र के हाथों से बार बार गोलियां गिर रही थी। 2-3 बार सीन खराब होने के बाद धर्मेंद्र इतने गुस्से में आ गए कि उन्होंने असली गोलियां बंदूक में लगाई और बंदूक चला दी। इस सीन में अमिताभ पहाड़ों में ऊपर की तरफ खड़े थे। धर्मेंद्र के गुस्से में चलाई गई गोली अमिताभ बच्चन के कान के पास से होकर निकली और वो बाल बाल बच गए। दरअसल डायरेक्टर रमेश सिप्पी ने क्लाइमेक्स सीन रियल दिखाने के लिए शूटिंग के दौरान असली गोलियों का इस्तेमाल किया था। नंबर 7, फिल्म में जगदीप ने सूरमा भोपाली का किरदार निभाया था। शुरुआत में सूरमा भोपाली का किरदार फिल्म में नहीं था। बाद में राइटर्स को लगा कि फिल्म में और भी कॉमिक पंच की ज़रूरत है। जगदीप पर एक कव्वाली भी फिल्माई गई थी, लेकिन फिल्म का रन टाइम खराब ना हो इसलिए उसे हटाना पड़ा।
वैसे ही फिल्म का टंकी सीन, जहां से वीरू पानी की टंकी पर चढ़कर सुसाइड करने की धमकी देता है, शुरुआत में फिल्म का हिस्सा नहीं था। जावेद अख्तर ने इसे बेंगलुरु एयरपोर्ट जाते वक्त कार में लिखा था। नंबर 8, शोले फिल्म का क्लाइमैक्स रिलीज से एन पहले बदला गया। इस बात का खुलासा खुद रमेश सिप्पी ने किया था। उन्होंने बताया कि फिल्म का क्लाइमैक्स जैसा दिखाया गया वैसा नहीं था। इमरजेंसी में सेंसर ने फिल्म के क्लाइमैक्स पर आपत्ति जताई। असली क्लाइमैक्स सीन में ठाकुर अपने नुकीले जूतों से गब्बर को मार देता है। इस सीन को सेंसर ने कानून का हवाला देकर बदलने को कहा। इसके बाद 26 दिनों में क्लाइमैक्स को दोबारा से शूट किया गया, जिसमें गब्बर को कानून के हवाले किया गया।